हाँ जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और TIR तक आज हमने बुकलेट भी करने हैं और क्वेश्चंस भी करने हैं इसके, ठीक है जी। प्लेन मिरर के भी। हाँ जी, देखो जी, पहला रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है बाउंड्री पे सेपरेटिंग टू मीडियम मीडिया, तो वापिस अगर सेम मीडियम में आ जाती है तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। पढ़ा हुआ जी, ये दोनों पॉइंट पहले ही करा दिए हैं, पेज नंबर 1 पे है जी पहला। अभी बुकलेट स्टार्ट करिए जी। हाँ जी, तो रिफ्लेक्शन के बाद देखो जी, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, इंटेंसिटी क्या करती है जी? डिक्रीज। ये पॉइंट सब्जेक्टिव में नहीं पढ़ा था हमने। फेज कितने से चेंज होता है? पाई से। ये आपको लास्ट जब हमने वेव पढ़ा था +1 में, वहां भी कराया मैंने। वेव चैप्टर जब हमने पढ़ा है 11th में, वहां क्या पढ़ाया था जी, याद है किसी को? एक होता था रिजिड बाउंड्री, एक होती थी ओपन बाउंड्री। सर कहाँ की बातें कर रही हो आप, 11th? वो काम आ रही आएगी ना भाई, इनके ना आंख भी दिक्कत है कुछ और कान में भी। इतना बड़ा बड़ा मैसेज लिखा हुआ था कि ट्यूसडे को क्लास नहीं है, मंडे और फ्राइडे है सिर्फ। हाँ जी, रिजिड बाउंड्री के लिए क्या होगा? देखो, रिजिड बाउंड्री का मतलब होता है डेंसर मीडियम। रिजिड बाउंड्री का मतलब क्या होता है जी? डेंसर मीडियम। जब रिजिड बाउंड्री से लाइट टकराएगी, वहां साउंड टकराती थी, तो कितने का फेज शिफ्ट होता था? पाई का। फेज शिफ्ट कितने का होता था जी? पाई का। टाइम डिफरेंस भी कितने का होगा था? T/2 का। वहां याद है तो कुछ पढ़ा है तो किसी ने, ठीक है जी। और पाथ डिफरेंस कितने का होता था? λ/2 का। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन होता था, याद है किसी को? है Δ φ इज इक्वल टू 2π/λ इंटू Δ x। ये फेज डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है, ये +1 में कराया गया था भाई, ठीक है जी। ऐसे ही फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में भी रिलेशन था, 2π/T इंटू Δ t। 2π/λ को K भी बोलते थे, 2π/T को ओमेगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं, ये याद रखने हैं पहले 3 पॉइंट। ये दोबारा से वही लिखा हुआ है जी, लाइट अगर नॉर्मल इंसिडेंट करती है तो वो अपना पाथ क्या करती है जी? रिट्रेस। ये हमने पहले भी कर लिया, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल में भी बताया, ठीक है जी। चलें आगे, ये रे डायग्राम है जी, थोड़े आपने पढ़ने हैं। प्लेन मिरर के दो बने हुए हैं, ये सारा आपको रीड करना है जी। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है, पहले तो पाथ ड्रॉ करने आ जाता था बोर्ड्स में, ठीक है जी। एक एक नंबर का सवाल आ जाता है जी। डन है। स्फेरिकल मिरर के तो कराए हैं जी, प्लेन मिरर में आपको पता ही है जी, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज क्या बनेगी जी? रियल। रियल ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनती है जी? वर्चुअल। मिरर में, प्लेन मिरर, जितना डिस्टेंस यहां पर है उतना ही डिस्टेंस पीछे होता है जी। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, इक्वल इन साइज, ठीक है जी। दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस भी क्या होता है? इक्वल होता है। जितना यहां पर डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का उतना ही पीछे डिस्टेंस है। समझ आया जी कि नहीं? डन है, कोई डाउट? डेविएशन, लेटरली इन्वर्टेड समझते हैं जी, लेफ्ट को राइट दिखेगा, राइट को लेफ्ट दिखेगा। डेविएशन देखो जी,
अगर एक रे जा रही है हमारी, रे ये जो शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं बुकलेट में, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं जी। फिर मुझे मत कहना कि इसमें डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। पर्टिकुलर केसेस भी हैं, हर एक में अप्लाई नहीं होता। जैसे एक ये जा रहा है रे, अब जो ये वाला डायग्राम बना हुआ है ऐसे रे जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो गया जी, एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहा, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, डेल्टा क्या आ जाएगा 180 माइनस 2 आई, क्योंकि आई बराबर है आर होता है। डेल्टा क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 आई। जाने जी चले आगे। अगर दो दो मिरर है आपस में, एंगल कितना है जी थीटा, दो मिरर्स हैं आपस में एंगल कितना है जी थीटा एंगल है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना रहेगा याद रखना है 360 माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा। ये ज्योमेट्री से आता है, कई बार बच्चों ने प्रूव करा है मैथ्स वालों ने। यहां से ले जा रही है, फिर ऐसे गई, फिर ये ऐसे जा रही है जी, ये एंगल थीटा है, ठीक है जी। अब इसको प्रूव कर सकते हैं तो करके लाना जी, इसको डायरेक्ट याद करना, याद करते हमें तो याद चाहिए जी आंसर। अगर दो मिरर हैं आपस में एंगल 60 डिग्री है और एक रे आई है, दोनों से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, डेल्टा क्या रहेगा जी 360 माइनस 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री 120, तो ये एंगल कितना हो गया जी 240। सिंपल डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ जी। अगर दो प्लेन मिरर है आपस में 90 डिग्री पे है, आपस में क्या है जी 90 डिग्री पे, तो एंगल जो रे जो रिफ्लेक्ट होगी दोनों से, उनके बीच में एंगल क्या रहेगा 180 डिग्री, एंटी पैरेलल होंगी वो। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या रहेंगी जी एंटी पैरेलल। टू प्लेन मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 90 डिग्री, द इमर्जेंट रे इज एंटी पैरेलल टू इंसिडेंट। इफ इट सफर्स वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ईच, वट एवर बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट, कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, ठीक है जी। समझ आया जी, कोई डाउट? नेक्स्ट रोटेशन, नेक्स्ट क्या है जी रोटेशन। ये मिरर है जी, ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे चली गई। अब ये मिरर को हमने एंगल थीटा पे रोटेट कर दिया, मिरर को एंगल थीटा पे क्या कर दिया जी रोटेट, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर चली गई जी, ठीक है जी।
ये नॉर्मल आ गया जी एक तरह से इधर का, ये थीटा, तो ये क्या बनेगा जी, ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा है ना जी, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये भी 90 है, इसके 90 है और ये आपस में 90 है, ये पहले वाला आपस में क्या था जी 90, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये क्या बना जी थीटा, और ये भी क्या हो गया फिर, तो इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होता है जी, रिफ्लेक्टेड एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे बाद में अगर मिरर थीटा से डेविएट करी है तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से डेविएशन हो जाएगी उसकी, 2 थीटा से, रिफ्लेक्टेड रे किससे डेविएट हो जाएगी जी, 2 थीटा से। करो जी फटाफट। समझ आ गया जी, कहां से दिक्कत आई जी, शुरू से, इससे अच्छा तो सीधे याद करने के लिए देते हैं ना, इतना समझा है। ये मिरर थी, ये रे आई सीधा, स्टार्टिंग में जब आई तो नॉर्मल इंसिडेंट हुआ था, तो इंसिडेंट रे अब रिफ्लेक्शन के बाद क्या कर गई, अपना पाथ रिट्रेस। अब मिरर ने क्या करा जी, एंगल थीटा पर, मिरर को एंगल थीटा क्या कर दिया जी, रोटेट करा दिया, एंगल थीटा क्या करा दिया जी, रोटेट। तो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर जा रही है, हाँ जी देखो जी, तो यहाँ इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, ये नॉर्मल आ गया जी, ये थीटा तो नॉर्मल 90 डिग्री होता है टोटल, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये आपस में 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया भाई थीटा, तो ये भी क्या हो गया जी थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे में कितना डेविएशन आ गया जी, अगर मिरर को थीटा से रोटेट कराया तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से डेविएट होगी जी, 2 थीटा। अगर कोई कहता है जी मिरर को मैंने 30 डिग्री रोटेट करा दिया, तो रिफ्लेक्टेड रे में कितना हो जाएगा जी, 60 डिग्री, आंसर डायरेक्ट है जी, याद रख सकते हो, हर एक कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट याद रख सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया है जी, सोल्यूशन नहीं मांगेगा, ऑब्जेक्टिव वाला, क्योंकि ये सब्जेक्टिव में तो कुछ आता नहीं है ऐसा, ठीक है जी। जी प्लेन मिरर है इसलिए उसमें सब्जेक्टिव है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेन मिरर नहीं है जी, वैसे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ जी। गुरकीरत भाई, हाँ जी, कुछ बच्चे मैं सिलेक्ट करूंगा, उनके अलग से टेस्ट होंगे जी, और उनको वो देख ही जाने हैं मेरे को पर्सनली, ठीक है जी। मनी जी हो गए, आदित्य हो गए, सार्थक, विनय, गुरकीरत, माही, अंशुल, आपने भी देने एक्स्ट्रा टेस्ट, ठीक है, आपने भी देने, अभी एक दिन और कोई देना चाहता हो अपनी मर्जी से, ठीक ये तीनों तो है ही। हाँ बस ये बलविंदर, एंजल और नवनीत और सेजल और प्रियांशु की मर्जी है, बाकी तो 2 ही टेस्ट 6th चैप्टर का भी पेंडिंग है, कईयों ने नहीं दिया, 7th का,
11th का भी प्लान बना रखते हैं नवंबर 15 के बाद। अब उनको मैंने ड्रॉपर बैच में शुरू करवाने के लिए कह दिया, प्लस 2 करा। करवाएंगे तब भी चली करवाएंगे, रिवीजन बंद नहीं होगा, टेंशन ना लो, रिवीजन कहीं बंद नहीं। तीन तीन टीचर रखे हुए हैं तो। अभी हाँ जी, इमेजेस बाय 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। अगर 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर हैं तो इमेजेस क्या रहेंगे? अब वो तो है ही पहली है। हाँ जी, देखो जी, इमेजेस बाय 2 इंक्लाइन प्लेन मिरर। व्हेन 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर, अगर आपस में इंक्लाइन कर रही हैं एंगल थीटा पे, तो नंबर ऑफ इमेज डिपेंड करती है किस चीज पे? 360 बाय थीटा पे। किस पे डिपेंड करती है जी? 360 बाय थीटा। अगर 360 बाय थीटा इवन है तो हमेशा यही फार्मूला लगेगा, एन इज इक्वल टू 360 बाय थीटा -1। अगर ये जो वैल्यू आई है 360 बाय थीटा क्या है जी? इवन है, ठीक है जी। तो फार्मूला नंबर ऑफ इमेजेस का क्या है जी? 360 बाय थीटा, वो अलग केस है, इवन में हमेशा यही रहती है, चाहे सिमिट्रिकल है चाहे नहीं। टोटल टोटल एंगल होता है, ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ कहीं पड़ा है, ठीक है जी। ऑड होगा तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, चाहे वो सिमिट्रिकल है चाहे एसिमिट्रिकल। अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो वो हमेशा क्या होता है? सिमिट्रिकल। ज्यादातर मतलब फार्मूला के क्या लगता है? एन इज इक्वल टू 360 बाय थीटा -1। हाँ, अगर वो मेंशन कर दे कि ऑब्जेक्ट हमारा एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल का मतलब क्या जी? जैसे ये 60 है, यहाँ 40 बन रहा है, यहाँ 20 बन रहा है, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया? एसिमेट्रिकल हो गया, ये अल्फा और ये बीटा। तब आपका ऑड के केस में एन क्या होगा? 360 बाय थीटा। समझ आया जी? ये नोट में थीटा है, ये वी की जगह क्या है जी? थीटा। एग्जाम्पल ले रखे हैं एंगल के, 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे और 72 डिग्री। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आगे डायरेक्ट यूज होता है जी। ओवरलैप मतलब, हाँ वो वाले क्वेश्चन भी है, असाइनमेंट। अब वो तो डायग्राम बन के ही होगा, वो असाइनमेंट में डिस्कस होगा। हाँ जी कोमल जी, रिपीट कर देते हैं जी। देखो जी, नंबर ऑफ, जब 2 इंक्लाइन प्लेन है, इमेजेस बाय 2 इंक्लाइन प्लेन मिरर्स, तो उनके बीच में अगर थीटा एंगल है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे जी? 360 बाय थीटा, नंबर 1 पॉइंट। फिर उसमें चेक करेंगे एन क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस क्या है? 360 बाय थीटा -1। 360 बाय थीटा माइनस, अगर इवन आ गया तो ये 360 बाय थीटा चेक करेंगे पहले, इवन आ गया तो आंसर क्या आएगा एन का? 360 बाय थीटा -1। अगर ऑड आ गया तो दो केसेस हैं, एक तो सिमेट्रिकल के लिए और एसिमेट्रिकल के लिए। अगर वो बताया था अभी, अगर ये 60 है तो ये 30 30 का मतलब क्या हुआ? ये सिमिट्रिकल। हाँ, अगर ये 60 है और ये एक 40 भी है और एक ये 20 आ गया तो ये एसिमिट्रिकल, अगर कुछ गिवन नहीं है। हाँ जी, वो तो टोटल एंगल आएगा,
मतलब टोटल 60 है, ठीक है जी। सबसे पहले तो टोटल एंगल है ये, टोटल एंगल से आप पहले 360 बाय थीटा निकालेंगे सबसे पहला काम। अगर ये इवन आ गया तो बस एक ही फार्मूला, उसमें कोई सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल का कोई केस नहीं। अगर ये ऑड आ गया और क्वेश्चन में दिया हुआ है एसिमेट्रिकल, तब ये लगेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो मतलब वो सिमेट्रिकल ही, वो क्या है जी, फिर वही ऊपर वाला है एक ही फार्मूला, ज्यादातर यही एक ही फार्मूला लगता है, ठीक है जी। एसिमेट्रिकल गिवन होगा तभी आपने ये यूज करना, अदरवाइज को आपका यही फार्मूला है 360 बाय थीटा माइनस वन, ठीक है जी। डन है, कोई डाउट इसमें? ज्यादातर अगले वाले पॉइंट्स याद करने वाले ही हैं। ऑब्जेक्ट अगर यू स्पीड से आ रहा है, मिरर रेस्ट पे है, तो इमेज भी यू स्पीड से आएगी। और रिलेटिव स्पीड अगर देखेंगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या रहेगा जी, टू यू। रिलेटिव स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या है, टू यू। अगर मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो इमेज अगर मिरर यू से जा रहा है तो इमेज टू यू से जाएगी। इमेज किससे जाएगी जी, टू यू से। ये सारे याद करने वाले हैं जी, प्रूव करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब याद कर लो, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं है। मैन की हाइट एच है, उसको कम से कम एच बाई टू का क्या चाहिए जी, मिरर चाहिए टू सी हिज कंप्लीट इमेज, ठीक है जी। जैसे सेंटर पे कोई पर्सन खड़ा है और वॉल जो पीछे उसके बैक पे है उसकी हाइट एच है, उसकी हाइट कितनी है जी, एच, तो उसको एच बाय थ्री की मिरर चाहिए कंप्लीट वॉल को देखने के लिए। कंप्लीट वॉल को देखने के लिए उसको कितना चाहिए जी, एच बाय थ्री। डन है जी। ये कैसे ऊपर एच बाई टू की लिखा तो वो तो उसको खुद की इमेज देखनी, वो डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है, वो तो तब तो एच बाई टू ही लगेगी उसकी हाइट की। अब वॉल की हाइट और मैन की हाइट सेम थोड़ी है। अरे नहीं, हाइट तो सर वो है ना, मेरी भी क्वांटिटी यहाँ पर चल बड़ी हो चुकी वॉल की हाइट तो फिक्स रहेगी, थी। बंदे की हाइट वेरी कर सकती है, पर वॉल तो जो लगी हुई है पीछे, अगर सेंटर पे खड़ोगे तो, अगर ये एच हाइट की है, वॉल की हाइट ले रहे ना, बंदे की हाइट थोड़ी ले रहे हैं। ये तो पर्सन की हाइट थी पिछले क्वेश्चन में, इसमें किसकी हाइट है, वॉल की। वॉल अगर 20 मीटर की है तो यहाँ 20 बाय 3 मीटर चाहिए। मुझे आराम से पूछने को हाँ वो तो कर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, रहा ये रे जाएंगी भाई, ये तो ऐसे प्रूव होता है, रे डायग्राम बनता है पूरा, ये ऐसे जाती है रे, ठीक है जी। इसमें सिमिलैरिटी से ये प्रूव किया जाता है। डन है जी। बेसिकली रिफ्लेक्शन करके इमेज जहां दोनों रे की मीट कर गई, यहां से दोनों एंड से रे भेजी, जहां पर वो मनी उस हिसाब से ही एडजस्ट करो। कॉन्सेप्ट रीड करना है जी, आ जाओ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, जेई 2019 में आया हुआ जी, असाइनमेंट में भी है हमारी। ब्राइटनेस वाले करके इसके लिए से सेकंड में देखिए वही हाँ ब्राइटनेस वो सबसे, ये सभी के लिए सेम, सेकंड वाली ही सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट आएगी जी, ये सबके लिए सेम रहता है जी, ये जो कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ। वैसे कई अभी आता नहीं, कम ही पूछा गया है, ठीक है जी, फिर भी पढ़ लेना। टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन मिरर, यू हैव टू सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ऊपर वाला पॉइंट एक बार एक्सप्लेन ये वाला। ये तो भाई इंसिडेंट रे आई, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ रिफ्रैक्ट हो गया,
90% अंदर गया था, फिर 10% रिफ्लेक्ट हो गया, इंटेंसिटी 100% थी, 10% रिफ्लेक्ट हुई, बाकी 90% अंदर चली गई। ठीक है जी, 90 की 10% इधर आ गई, ठीक है जी, 10% इधर ही रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ भी नहीं हो रहा, तुम ध्यान तो देते नहीं, तो पता कहाँ से लगे, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ, जिसने बोला उसको बोला नहीं। हाँ जी, इंसिडेंट रे आई 100% है, तो उसमें से 10% रिफ्लेक्ट होके बाहर चली गई, बाकी 90% अंदर गई। यहाँ प्लेन मिरर है तो रिफ्लेक्ट है, जितनी आई उतनी वापस चली जाएगी, 90 की 90। वो क्वेश्चन में दिया हो सकता है जी कि 5% रिफ्लेक्ट हो रही है तो 95 इधर चली जाएगी, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। अब वो कहने को कहते 20% चली गई तो ये 80% हो जाएगी, मतलब सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट यही निकलेगी। वो तो भाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है ना। प्लेन मिरर ऐसे होती है, तो अगर एक्स डिस्टेंस इधर है तो एक्स डिस्टेंस इधर होगा, तो सेकंड केस में भी तो सेम ही होगा। वो इमेज मिरर इंक्लाइंड 90 पे नहीं है ना, रिफ्लेक्ट होके ये तो ऐसे जाएगी इसकी, तो इमेज तो कहीं और ही बनेगी वर्चुअली। हाँ जी बलविंदर जी, क्या डाउट है पूछ लो। वो ये पूछना चाह रहे कि ये कहाँ हो रहा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहाँ हो रही है, दोनों साथ में किस मीडियम में, किस मीडियम में हो सकते हैं, कोई भी मीडियम हो सकते हो। बेसिकली कुछ पार्ट क्या होता है, आपने पढ़ा था थर्मल पढ़ाया था याद है किसी को, तीन चीजें होती थी, जब हीट एनर्जी आती थी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाता था, कुछ अब्सॉर्ब कर जाता था, कुछ ट्रांसमिट हो जाता। तो वैसे ही यहाँ पर है, बिहेवियर ऑफ लाइट आपको पढ़ाया सबसे पहले, उसमें क्या हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ रिफ्रैक्ट हुआ था उसी मीडियम में, कुछ उसी ने अब्सॉर्ब कर। तो मीडियम में कुछ, जैसे ये 80% बाहर आ रहा है, तो कुछ यहाँ मीडियम ने ही क्या कर लिया जी, उसे अब्सॉर्ब कर। ठीक है जी, डन है जी, और कोई डाउट? फिफ्थ क्वेश्चन जी, वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट भी है, थर्ड भी नहीं हुआ। A person is in a room whose ceiling and two adjacent walls are mirror. How many images are formed? ठीक है जी, ये है जी, पहले दो का केस लेना पड़ेगा। देखो जी, पहले दो का केस लो, दो आपस में 90 डिग्री पे हैं, ठीक है जी, तीसरे का तो सारी इमेज दिखाएगा, हाँ मतलब वो ऊपर सीलिंग भी मिरर है ना जी। दो क्या बोल रहा है जी, टू एडजेसेंट वॉल्स आर मिरर, और सीलिंग भी क्या है जी, मिरर है। तो पहले हमने दो का केस ले लिया, 90 डिग्री है, 90 डिग्री में क्या होगा, 360 by θ - 1 करेंगे, 360 by 90 क्या होता है जी, 4, इवन था, -1 करा, 3 आ गया, तीन इमेजेस बन गई उसकी, एक तो ऑब्जेक्ट ही था, तो सीलिंग वाला क्या दिखाएगा जी, तीनों की एक चार इमेज और दिखा देगा। पहले इन दोनों ने तीन इमेजेस बनाई, सीलिंग वाला 1, 2, 3, 4 टोटल चारों ही दिखाएगा सीलिंग,
ऑब्जेक्ट को भी तो दिखाएगा और वो इमेजेस को भी दिखाएगा, तो टोटल क्या हो गया, 3 + 4 क्या हो गया जी? बुकलेट के सारे क्वेश्चन करने चाहिए जी, अगर आप अच्छी तरह साथ की साथ एसएल, साथ की साथ बुकलेट, फिर असाइनमेंट करो बैठ के उस टॉपिक की, अगर कुछ करना है तो। अब ये 2 महीने अगर ढीला छोड़ दिया तो काम नहीं बनेगा। 8 तारीख को टेस्ट है पहला नीट और जेई का, फुल कंप्लीट फर्स्ट बुक लगभग हर सब्जेक्ट की, और 15th को दोबारा से रिपीट है, और हाँ सेम सिलेबस। 29th को रे अगर हो जाएगा, पूरा रे आएगा प्लस वेव भी अगर जितना हो गया एक चैप्टर, 29th संडे। हाँ रे ऑप्टिक्स तो आएगा ही आएगा, हाँ ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का, बाकी बायो और केमिस्ट्री मैथ्स का हो जाएगा। सर 8 अक्टूबर को भाई जी, अक्टूबर जा लिया एक, ठीक है अभी रे ऑप्टिक्स का भी सब्जेक्टिव होगा बीच में, अभी 8th के बाद एसी का भी है सब्जेक्टिव। एसी का कहाँ दिया, ईएमआई दिया आप? हाँ एसी की तो असाइनमेंट तो होगी थी, डिस्कशन है जी। आपकी सिर्फ एक ही असाइनमेंट रह गई है मैग्नेटिज्म की, मुझे याद है, बाकी सारी डिस्कस करा दीजिए। रे ऑप्टिक्स के असाइनमेंट भी बहुत हैं, तो मान के चले ना 20 अक्टूबर तक का टारगेट है। संडे को देखता हूँ मैं, 8th को टेस्ट के बाद भी क्लास लगा सकता हूँ आपको। एसी का नेक्स्ट वीक का टाइमिंग बता दूंगा, यही पड़े हैं जी। कब? हर संडे नहीं है वो, सैटरडे 4 to 5 करती है। आज ही करवाया मैंने टाइम, 4 to 5 सैटरडे। सर हमारा नहीं, वो एक इंटरेक्टिव सेशन है, जैसे उसमें माइंडसेट पे काम करा जाएगा, वो आओ जी 5th क्वेश्चन देखते हैं। जेई में आया है 2019 में, हमारी असाइनमेंट में भी बहुत पहले से ही है। पढ़ो जी, कौन पढ़ेगा जी क्वेश्चन? हाँ जी रवनीत जी। A ray of light incident on the first mirror parallel to the second and is reflected from the second mirror parallel to the first mirror, the angle will be 2 degrees. हाँ जी देखो, 2 प्लेन मिरर है, पहले पे जो रे आई वो दूसरे के पैरेलल थी, है ना, यही बोल रहा है? पहले पे जो रे आई वो दूसरे के पैरेलल थी, इससे थोड़ा इजी रही है। ये पहले पे रे आई वो दूसरे के पैरेलल थी आफ्टर रिफ्लेक्शन, फिर जो दूसरे से रिफ्लेक्ट होके गई वो पहले के पैरेलल थी, यही बोला क्वेश्चन में? ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा भाई, और ये भी क्या होगा? थीटा। ये नॉर्मल है, ये थीटा, तो ये 90 - थीटा, ये भी क्या होगा? तो ये क्या बच गया जी? ऐसे इधर हो जाएगा ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 - थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा? 90 - थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा 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 है, तो 3 थीटा किसके बराबर होता है? 180। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जी, 60 डिग्री आ जाएगा।
धन्य जी। हाँ जी, ये प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर की असाइनमेंट पहले ही करके आनी है, क्लास वर्क वाली 13 क्वेश्चन है उसमें आपके, फर्स्ट होमवर्क है जी आज सिर्फ। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ जी बुकलेट पे, और कोई क्वेश्चन देख लो जी, पूछना है पूछ लो। हाँ जी, कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर्स देखो जी फटाफट, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है अच्छी तरह से, ये सब कुछ पढ़ा दिया गया आपको सब्जेक्टिव में, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सारा आपको करवा दिया जी। ठीक है जी, अब आ जाओ जी, क्या मेन पॉइंट्स हैं उधर आ जाओ फटाफट। एक तो ये टेबल अगर अच्छी तरह कर लो तो बहुत बढ़िया जी आपके, कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं अगर टेबल आता हो। अब देखो जी, नोट क्या है, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर एज द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर, तो इमेज क्या होती है जी, स्मॉलर और मूव्स क्लोजर टू द फोकस, इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर डू नॉट शो क्रोमेटिक एब्रिवेशन, ये डिफेक्ट होते हैं जी, एब्रिवेशन क्या होते हैं जी, डिफेक्ट, जो लेंस से इमेज बनती है उसमें कुछ क्रोमेटिक एब्रिवेशन होते हैं जी। ठीक है जी, कन्वेक्स मिरर मैक्सिमम इमेज कहां पर फॉर्म होती है जी, फोकल लेंथ, और कन्वेक्स मिरर मैक्सिमम इमेज डिस्टेंस इज इट्स फोकल लेंथ, कनकेव मिरर पे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज कब, सी पे ही ऑब्जेक्ट हो तो सी पे ही इमेज बन जाती है। ठीक है जी, यू और वी दोनों कहां पर होते हैं जी, 2F। डन है, एक ये न्यूटन्स फार्मूला नहीं करा आपने, एसएल में नहीं था, याद रखना जी, अगर ये मेरा मिरर है और ये फोकस है, फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्स वन है, इमेज का डिस्टेंस क्या है जी, एक्स टू, फोकस से, तो डायरेक्ट फोकल लेंथ का फार्मूला आ जाता है वहां से, एफ स्केयर इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू, बाकी सब एसएल में पढ़ा हुआ है हमने, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है ऑब्जेक्टिव में, नीट और जेई में एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस वही सारा सेम है, वो मैंने बताया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्स वन है, इमेज अगर सपोज कर लो यहाँ पीछे लगी है बनी है, तो उसका डिस्टेंस अगर एक्स वन है, फोकल फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्स वन है, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्स वन है, इमेज का डिस्टेंस एक्स टू है, कहां से, फोकस से, पोल से नहीं, कहां से, फोकस से, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो बुकलेट में, ये ठीक कर लेना जी। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बुकलेट में ठीक कर लो जी अच्छी तरह, ये शॉर्ट नोट्स बना लो जी, रे ऑप्टिक्स इज अ बिग चैप्टर, इसके अच्छी तरह नोट्स बने होंगे तभी फायदा है जी। हाँ जी, सिक्स सेवन्थ के बने जी, फिफ्थ के और बट फिफ्थ के कंप्लीट नोट्स नहीं है, वो भी भेजना मुझे, कई बच्चों ने फिफ्थ लिखा नहीं है। हाँ नहीं, शॉर्ट्स भी भेज देना और पूरे कंप्लीट, उतने ही बनाए, अच्छा किसी ने लिखा जी फिफ्थ पूरा बॉयज में। हाँ जी प्रियंश, सार्थक भाई करते रहते काम,
हमें पता है क्या करते हैं कोई नहीं करेगा कुछ तो कर ही लेगा। आओ जी, तीन टाइप से मैग्निफिकेशन हो सकती है, ये एक्स्ट्रा है। एक तो ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो आई बाय ओ, सिंपल वही फार्मूला। क्यों नहीं भेज देना, देख लूंगा कैसे, वो ज्यादातर थ्योरेटिकल चैप्टर है ना, बच्चे लिखने को राजी नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल, हाँ जी लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, ये चारों तो मैंने ड्राइव कराए हैं जी, एफ अपॉन एफ माइनस यू, एफ माइनस वी बाय एफ, इसके न्यूमेरिकल भी हो गए थे एसएल में। अब देखो जी लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, ध्यान से सुनना। हाँ जी सुबोध भाई ध्यान इधर देना, फिर कहोगे कहाँ से क्या हुआ ये। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है जी, देखो ऑब्जेक्ट ऐसे है, ट्रांसवर्स का मतलब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है जी, ऑब्जेक्ट हमारा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये यू वन हो गया, ये यू टू हो गया, तो उसकी जो इमेज बनेगी वहां पर भी वी वन और वी टू आएगा, वी वन पीछे बनेगा वी टू इधर बनेगा, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, वी वन माइनस वी टू अपॉन यू टू माइनस, ठीक है जी, माइनस बाहर ले लिया उसने तो वी टू माइनस वी वन भी लगा सकते हैं अपॉन, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है तो मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला है, चेंज माइनस डी वी बाय डी यू, वी बाय यू का, वी बाय यू का लेंथ ऑफ इमेज क्या आएगी, लेंथ ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन लेंथ ऑफ इमेज, हाँ उल्टा लिख दिया, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन को वी बाय यू का स्केयर भी करा है इस केस में, तो वी बाय यू का होल स्केयर इंटू एल नॉट क्या हो जाएगा, एल आई, वी बाय यू किसके बराबर है, एफ अपॉन एफ माइनस यू, माइनस ले लेंगे तो क्या लिख सकते हैं जी, एफ अपॉन, देखो जी ध्यान से समझना, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है तो मैग्निफिकेशन को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाय डी यू, वी बाय यू का होल स्क्वायर, तो मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला है एल नॉट बाय एल आई बाय एल नॉट, तो वी बाय यू का होल स्क्वायर, तो एल आई क्या हो जाएगा जी, वी बाय यू का होल स्क्वायर इंटू एल नॉट, डन है जी। नेक्स्ट सैटरडे स्कूल सुनिए भाई किसी ने, हाँ मतलब इस सैटरडे, तो मैं सोच रहा था बड़ी सी क्लास लगा देते सुबह ही, अगर छुट्टी ले लूँ सारे दो तीन घंटे की, ठीक है कब से बता रखा है कि होगा, चलो जी डेढ़ घंटे की क्लास तो होगी, V by U का फार्मूला माइनस V by U क्या होता है, F upon F minus U, तो V by U को क्या लिख दिया जी, F upon U minus F, तो बुकलेट में क्या लिखा है जी, एल आई का फार्मूला F upon U minus F का होल स्क्वायर इंटू एल नॉट, देख लो जी ये फार्मूले सारे बता दिए जी, एक्स्ट्रा फार्मूले थे ये, डन है। एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है,
ये वाला क्वेश्चन एक करा भी है वैसे, पर उसमें दूसरे मेथड से कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन था एसएल अरोड़ा में, स्केयर वाला। स्केयर था तो दोनों साइडें सेम थी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। रेक्टेंगल होगा तो साइडें अलग अलग होंगी, उनकी मैग्निफिकेशन भी अलग अलग होगी, ठीक है जी। तो एरियल में क्या होता है, एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ आया जी? बस डाल दो जी। एरिया ऑफ इमेज क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, एम बी इंटू एम ए, बी से ए बी कट गया। तो जो एरियल मैग्निफिकेशन है, सिंपल मैग्निफिकेशन का स्केयर होती है, याद रखना जी। एरियल मैग्निफिकेशन क्या होती है, सिंपल मैग्निफिकेशन का क्या होती है जी, स्केयर। हाँ जी शेगुन जी, पढ़ रहे हैं ना जी। हाँ जी, एक रेक्टेंगल है, उसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, और दूसरा एग्जांपल होगा एरियल मैग्निफिकेशन, है एरियल मैग्निफिकेशन के लिए एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4 अभी बताया था, एसएल अरोड़ा में हमने करा। हाँ, उसमें स्केल था तो सिंपल मैग्निफिकेशन भी चल गई, ठीक है जी। हेलो, हाँ जी, देखो जो हमारा एरियल मैग्निफिकेशन में बेसिकली कोई भी 2 डायमेंशनल बॉडी होगी ना, वहां पर अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है जी। कोई भी 2 डायमेंशनल बॉडी है वहां पर इसको अप्लाई कर सकते। अब आ जाओ जी, डायरेक्ट फार्मूले हैं। डू नॉट पुट साइन ऑफ क्वांटिटी विच इज टू बी डिटरमिन, याद रखना जी। जो चीज निकालनी है उसका साइन नहीं डालना। इफ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन एम टाइम्स, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, एम टाइम्स, मतलब साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एम टाइम्स हो जाएगा। अगर आपके पास यू वी एफ है तो यू का फार्मूला क्या हो जाएगा, एम माइनस वन अपॉन एम इन टू एफ। वी का फार्मूला डायरेक्ट है, देखो जी डायरेक्ट, अगर एम और एफ दिया हुआ है तो आप यू भी निकाल सकते हो, वी भी निकाल सकते हो, ठीक है जी। और एफ निकालना है, यू दिया हुआ है तो ये फार्मूला है, और वी दिया हुआ है एफ निकालना है तो ये फार्मूला आ जाएगा, माइनस वी अपॉन एम माइनस वन। ये लिखा नहीं, यूजेस आपने पढ़ने हैं। ग्राफ नीट वालों को नहीं करने, जेई वाले पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ जी। रिफ्रैक्शन, आज बुकलेट का जहां तक हमने पढ़ा है टीआईआर तक सारा कवर अप कर देंगे जी। नेक्स्ट क्लास मिस मत करना जी, लेंथ लगभग 50% हो जाएगा। हाँ, बोर्ड पे रहेगी क्लास लगभग, ठीक है जी। हाँ, व्हाइट बोर्ड पे डायग्राम्स हैं काफी सारे। हाँ, और 4:45 जरा कृपा करें आने की, 4:50 तक मैक्सिमम, ठीक है जी। गुरकिरण जी, हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशंस वगैरह सब पढ़ा दी गई हैं आपको, ठीक है जी। जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाता है तो इंसिडेंस एंगल क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, आई माइनस आर। जब डेंसर टू रेयर जाता है तो डेविएशन एंगल क्या होता है, आर माइनस आर।
राइट, स्नेल्स लॉ पता है जी, पढ़ा दिया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया सारा, सब पढ़ा चुके हैं, वाटर का बताया था 1.5, 1.33, ग्लास का 1.5, क्राउन ग्लास का कितना बताया था 1.52, डेंस फिलेंट का क्या बताया था 1.65, डायमंड का कितना होता है जी 2.4, ठीक है जी, वैक्यूम और एयर का 1 ही होता है जी। हाँ बड़ा इम्पोर्टेंट है जी, सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये सारे फार्मूले सब्जेक्टिव में करा दिए गए हैं जी, जरा ध्यान से वैल्यूज तो वहां भी याद करनी करनी, कैचीज फार्मूला प्रिज्म में बताएंगे अच्छी तरह, वहां डेरिवेशन वहां भी नहीं है वैसे, वहां से भी यही बताया गया म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये मैंने भी प्रूव करके दिया था आपको, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, याद होगा आपको, फ्रिक्वेंसी सेम रहती है, वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है, जब रेयरर टू डेंसर मीडियम जाते हैं तो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या हो जाती है जी कम, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या हो जाती है जी कम, तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये बता दिया गया था, कलर का मतलब वेवलेंथ, ये सारी चीजें आपको बता दी गई थी किन किन चीजों पर डिपेंड कर, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी कराया हमने, ये सारा आपको पढ़ा दिया गया है थ्योरेटिकली, लेटरल शिफ्ट डिराइव कराया था जी, एक्स इज इक्वल टू टी बाय कॉस आर साइन आई माइनस आर, फार्मूला ड्राइव कराया था जी मैंने, कॉस आर को इसने क्या लिख दिया जी सीकेंट आर, कॉस आर को इसने क्या लिख दिया जी सीकेंट आर, याद है जी ये सारा, ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ जी नॉर्मल शिफ्ट, ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में पढ़ा था, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में क्या कराया था जी नॉर्मल शिफ्ट का फार्मूला, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, नॉर्मल शिफ्ट का फार्मूला टी माइनस टी बाय म्यू, तो टी कॉमन ले लिया, ओ ओ डैश क्या आ गया जी x कितना आ गया 1 माइनस 1 बाय म्यू इनटू t कॉमन आ गया, ऑप्टिकल पाथ ने है जी टॉपिक वहां नहीं था, धन है जी चले आगे, ऑप्टिकल पाथ हम वो तो कराई नहीं, लाइट अगर वैक्यूम से जा रही है सी स्पीड से जाएगी, डिस्टेंस अगर एक्स ट्रेवल करा टी टाइम लगा उसे, तो टाइम का फार्मूला क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है जी, एक्स डिस्टेंस मूव करा जी, कोई मीडियम नहीं था वैक्यूम था, हाँ जी देखो जी स्पीड ऑफ लाइट सी है, अब अगर कोई मीडियम हो गया दोबारा से समझ लो, वैक्यूम में जा रहा है एक्स डिस्टेंस, सी स्पीड ऑफ लाइट है, तो टाइम कितना लगेगा भाई एक्स बाय सी, ठीक है जी, अब कोई मीडियम आ गया जी, मीडियम में भी डिस्टेंस वही है एक्स, डिस्टेंस कितना है जी एक्स, पर मीडियम में स्पीड क्या हो जाती है जी वी, कम हो जाती है स्पीड, तो टाइम लगा टी डैश एक्स बाय वी हो गया, वी का फार्मूला पता जी म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी होता है, तो वी क्या हो जाएगा सी बाय म्यू, तो टी डैश क्या आ जाएगा एक्स बाय सी म्यू ऊपर चला गया, ये म्यू एक्स को क्या कहते जी ऑप्टिकल पाथ, वैसे कोई पाथ चेंज नहीं हुआ, पाथ वही है एक्स, पर चेंज क्या हो रही है स्पीड,
याद रखना जी, कहीं आप सोचो कि एक्स चेंज हो गया, एक्स नहीं चेंज हुआ, ठीक है जी, नोट करना कर लो, ये बुकलेट में भी यही दिया हुआ है। कल 8:30 ऑनलाइन क्लास भी हो सकती है या 9 बजे, आधे घंटे की असाइनमेंट की, बस बता दूंगा मैं, है शाम को रात को 9 बजे। तुमने आ जाना, इधर आ जाना, वैसे तो घूमते रहते हो, रात को 9 बजे है, तुम्हें नहीं आना, वो बॉयज को बोलना। कहाँ घूमते थे? 7:30 घर पे होते थे। ज्योमेट्रिकल पाथ मतलब एक्स मतलब वैक्यूम था जब, ठीक है जी, आप ग्रुप में ऐड करवा लेना जाने से पहले, मुझे सारा इंफॉर्मेशन ग्रुप में अच्छी है। देखो जी, पहला केस, एक्स अगर मेरा ज्योमेट्रिकल पाथ था तो यू एक्स उसने ऑप्टिकल पाथ बना दिया, एक्स वन और ये यू वन, ये एक्स टू और ये यू टू, दो अगर कांटेक्ट में है तो यू वन एक्स वन, म्यू वन एक्स वन प्लस म्यू टू एक्स टू, फॉर ऑल मीडियम म्यू ग्रेटर देन वन होता है, तो ऑप्टिकल पाथ म्यू एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन है ज्योमेट्रिकल पाथ एक्स। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ वाला वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए डिराइव कराया था जी, उसमें डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट था, उसमें क्या था जी, डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट था, तो म्यू का फार्मूला क्या था, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा जी, रेयर मीडियम में, तो म्यू का फार्मूला अलग हो जाएगा एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, याद रखना जी, साथ वाले में एपरेंट डेप्थ पहले वाले में क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ बाय म्यू, रियल डेप्थ बाय म्यू, ठीक है जी। तो यहां पर शिफ्ट का फार्मूला मैंने अभी बताया था, शिफ्ट का फार्मूला क्या था, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, तो क्या आ गया था, एच माइनस एच बाय म्यू, तो ये एच कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाय म्यू। वाटर में 4/3 डाला तो डी डिप शिफ्ट कितना आ गया, h/4। ग्लास में म्यू 3/2 डालोगे तो शिफ्ट कितना आ जाएगा जी, h/3। ऐसे यहां पर एच डैश क्या आ जाएगा जी, एपरेंट डेप्थ क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एच आ जाएगा जी, दूसरे केस में। तो शिफ्ट का फार्मूला इसमें आता है एच डैश माइनस एच म्यू एच माइनस एच म्यू माइनस 1 इंटू एच, फॉर वाटर म्यू वाटर क्या है जी, 4/3, तो डी शिफ्ट कितना आ गया, h/3 इसमें। फॉर ग्लास शिफ्ट कितना आ गया जी, h/3। अगर कई सारे बीकर हो, मतलब एक ही बीकर में कई सारे लिक्विड हो, और इमिसिबल मतलब, इमिसिबल का मतलब मिक्स नहीं हो रहे, ठीक है जी, d1 d2 d3, इसका μ1 μ2 μ3, तो फार्मूला क्या बनेगा जी, एपरेंट डेप्थ एट द बॉटम क्या आएगी, d1 by μ1 प्लस d2 by μ2 प्लस d3 by μ3, म्यू कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा, डी एक्चुअल बाय डी एपरेंट, एक्चुअल क्या होगी, d1 plus d2 प्लस सो ऑन, अपॉन एपरेंट क्या होगी जी, d1 by μ1 प्लस d2 by μ2 सो ऑन। अब देखो जी, दो केस, दो का केस ले लेता हूँ, d1 बराबर है d2, एपरेंट डेप्थ क्या होगी जी,
रियल डेप्थ है डी मान लो, दोनों बराबर ही है, दोनों की डी डी है, तो पहले की क्या आएगी जी, एपरेंट डेप्थ डी डैश डी बाय म्यू, दूसरे का क्या आएगा जी डी बाय म्यू वन आ गया, ये डी बाय म्यू, म्यू का फार्मूला क्या था, एक्चुअल डेप्थ अपॉन एपरेंट, ये टू डी आ गया, नीचे से डी कॉमन आ गया, वन बाय म्यू वन प्लस वन बाय म्यू टू, डी से डी कैंसिल हो गया, 2 मिनट, हाँ 2 मिनट बैठो, म्यू इज इक्वल टू टू म्यू टू हाँ जी, म्यू टू आ गया, ये म्यू वन आ जाएगा, एलसीएम ऊपर चला जाएगा, म्यू वन म्यू टू, तो यही फार्मूला है जी शॉर्टकट में, टू म्यू वन म्यू टू अपॉन म्यू वन प्लस, हर चीज डिराइव की जा सकती है, बट वो ये जी ऑब्जेक्टिव में ज्यादा फार्मूला याद करना है लास्ट में, डन है जी, छुट्टी का है कि अभी टी आई आर पूरा करेंगे, कौन मैं 2 मिनट में है। हाँ जी टी आई आर ऑब्जेक्टिव के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ही बता दूं जी, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेई नीट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। हाँ जी अब टेस्ट पढ़ेंगे, बच्चों की कुछ फरमाइश है कि अलग अलग टेस्ट भी लो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चलिए जो आप, हाँ जी बच्ची बैठ जाओ आप, हाँ बैठ जाओ, हाँ जी जब एक रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है टी आई आर कब होता है जी, हाँ जी आदित्य भाई बड़े are the conditions for having TIR? हाँ जी लास्ट क्लास में कराया था TIR, किस किस को पता है जी, हाथ खड़े करिए, लास्ट टू लास्ट में कराया था, हाँ बता भाई, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, पूछ के तो बता दिया, अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, याद आ गई ये भी याद आ गई, हाँ भी सुबूत, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, फिर वो एंगल उसके बाद जो लाइट रे है वो पैरेलल हो जाए सो वापस ही चली जाती के बीच में, ये देखो ये रहा दो कंडीशन होती है टी आई आर के लिए, एक तो रे डेंसर टू रेयर मीडियम जाए, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन
क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन अ क्रिटिकल एंगल. मैंने तो बोला था वो एंगल जिसके बाद ठीक है. हम तो क्रिटिकल एंगल पूछ रहे ना. व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन 90 डिग्री हो जाए दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल. म्यू क्या है? 1/sin C. साइन सी का फार्मूला क्या है? कोसेक. 1/sin C क्या हो जाता है? कोसेक सी. म्यू का मतलब यहाँ म्यू है डेंसर बाय रेरर, याद रखना. म्यू डेंसर बाय म्यू रेरर. ज्यादातर म्यू वैक्यूम होता है तो वैक्यूम का वन हो जाता है इसलिए म्यू ही लिख देते हैं. तीन असाइनमेंट कर सकते हैं, इतना काम हो रखा है जी ऑब्जेक्टिव में. पहली तीन पर फर्स्ट ही करके आ गए, बाकी वाली फर्स्ट मिरर वाली. हाँ 13 क्वेश्चन है उसमें. हाँ एक ही पेज है, 13 क्वेश्चन है उसमें. लाइट बल्ब वाली है जी, मैग्नीफाइंग वाली तो वो है. हाँ जी इधर आ जाओ. व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम डेविएशन कितना होता है जी? ये एंगल थीटा आई एंगल से आई, ये भी एंगल आर, तो दोनों एंगल बराबर है तो डेविएशन क्या हो जाएगा? 180 - 2 थीटा. डेविएशन मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा क्या होगा जी? मिनिमम सी के बराबर. तो डेविएशन मैक्सिमम याद रखना कब होता है? क्रिटिकल एंगल. डेविएशन मैक्सिमम कब होता है जी? जब क्रिटिकल एंगल हो. ये तो म्यू को आप ऐसे लिखेंगे, म्यू डेंसर बाय म्यू रेरर होता है ना. ज्यादातर म्यू रेरर वन ही होता है एयर का और वैक्यूम का, ठीक है जी? तो म्यू को आप क्या लिख रहे हैं? म्यू डेंसर बाय म्यू रेरर. एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला क्या है? पाए माइनस टू थीटा. डेल्टा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा मिनिमम होगा सी के बराबर. ये याद रखना चाहिए. अब आगे आ जाओ फटाफट ध्यान से. म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, बताया जी, ठीक है जी? या आप कह लो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? साइन सी, क्योंकि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन सी के. तो जिसका लैम्डा ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल भी याद रखना जी. जिसका लैम्डा ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल. रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो रेड कलर का क्रिटिकल एंगल भी ज्यादा होगा. समझ आया जी कि नहीं? हाँ भाई क्या हुआ? अभी सर की क्लास है. साइन सी क्या हो जाएगा? 1/μ denser 2 rarer. तो म्यू रेरर बाय म्यू डेंसर आ जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा डेंसर बाय लैम्डा रेरर. वेलोसिटी वी डेंसर बाय वी रेरर. देखो जी देखो,
साइन सी देखो वैसे तो होता है वन बाय म्यू, म्यू इज इक्वल टू वन बाय साइन सी होता है, तो साइन सी क्या हो जाता है वन बाय म्यू। ये होता क्या है मैंने अभी बताया म्यू का क्या है, म्यू डेंसर विद रिस्पेक्ट टू म्यू रेरर, म्यू रेरर ऊपर आ जाएगा म्यू डेंसर नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। यही लिखा हुआ जी, वही लैम्डा के आ गया, वही वेलोसिटी पे चला गया, इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना जी, लैम्डा डेंसर बाय लैम्डा रेरर, वेलोसिटी डेंसर बाय वेलोसिटी रेरर। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा होना चाहिए जी, क्रिटिकल एंगल क्या होगा जी, साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी, टी आई आर होने से होने के लिए आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, आई शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी, समझ आया जी। कोई डाउट इसमें, ये मैंने पहले लिखवा दिए थे आपको, चार लिखवाए थे हमने दो, ये डेंस फिलेंट ग्लास का, ये क्राउन ग्लास का हो गया इतने से, ये वाटर का, ये डायमंड, और डेंस फिलेंट का कितना था 37.31। हाँ जी, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, विद राइजिंग टेम्परेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्रिटिकल एंगल भी क्या करेगा जी, इंक्रीज करेगा जी, क्रिटिकल एंगल भी क्या करेगा जी, इंक्रीज। ये एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर बता दिया था, ऑप्टिकल फाइबर एक थिन ग्लास क्वालिटी ग्लास होता है, उसमें सबसे जो अंदर वाला पार्ट होता है, बुक में दिया हुआ, ये यहाँ नहीं लिखा हुआ, उसको कोर बोलते हैं, उसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, क्लैडिंग, और उससे ऊपर जो होती है बफर कोटिंग होती है, उसके ऊपर क्या होती है जी, बफर कोटिंग। कोर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू वन है, वो स्लाइटली ग्रेटर देन होता है म्यू टू क्लैडिंग के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, म्यू वन इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू टू। डन है जी, कोई डाउट इसमें, ये एसएल में नहीं था, ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशन पढ़नी है जी एसएल से, याद रखना, बाकी सारी एप्लीकेशन सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, स्पेशली मेंशन है ऑप्टिकल फाइबर, अगर आप सिलेबस पढ़ते हैं वहां ऑप्टिकल फाइबर स्पेशली मेंशन है, ठीक है जी, बोर्ड के लिए। फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश, देखो जी ध्यान से समझना, जब आप स्विम करते हैं और फिश भी नीचे चल रही है, ठीक है जी, चल ही रही है, तैर रही है, भावनाओं को लिखो, भावना आई भी है ऑनलाइन, हाँ जी भावना जी बैठे हैं, हाँ जी भावना जी, केशव, यस सर, कोमल, हाँ जी भावना जी, कभी माइक ऑन हुआ था पर आवाज नहीं आई, हाँ जी सक्षम जी, ठीक है जी, सार्थक, यस सर, तनवीर, विशु, ठीक है जी, कोमल जी भी सारे बैठे हैं, ऑनलाइन बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जी, है ना जी,
देखो जी, ये आपका क्या है जी, डेंसर मीडियम में लास्ट टॉपिक है जी बस। डेंसर मीडियम में तो क्या होगा जी, ये हमारा क्रिटिकल एंगल है, तो इसके बाद तो लाइट रे वापिस ही आ जाएगी, इससे बड़ा एंगल होगा तो इस पे तो इधर जाएगी, ऐसे चली जाएगी इस पे तो, और इससे बड़ा एंगल होगा तो क्या हो जाएगी वापिस, अच्छा ठीक है जी। इधर भी क्रिटिकल एंगल है, ये भी सी, ये भी सी, तो ये सी और ये भी सी, कोण एंगल कितना हो जाएगा, इसको एपेक्स एंगल भी बोलते हैं, ध्यान से समझ लो जी, इसको क्या बोलते हैं, एपेक्स एंगल। वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल 49 होता है, वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है जी, तो एपेक्स एंगल ये कितना हो जाएगा 98, ये कितना हो जाएगा जी 98। ये रेडियस हो गया जी कोण का, आर हाइट एच है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है जी टेन थीटा, तो आर क्या हो जाएगा एच टेन सी। अब ये टेन सी को कैसे लिख दिया यहां पर, ये ध्यान से सुनना, साइन सी का फार्मूला क्या है, साइन सी है 1/μ, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आ जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1, आर का फार्मूला आया था एच टेन सी, तो साइन सी अगर ये है तो टेन सी क्या हो जाएगा 1/√μ²-1, आर इज इक्वल टू एच 1/√μ²-1। गाना जी समझ आ गई बात जी की नहीं। इसके बाद एरिया निकाला हुआ है पाई आर स्क्वायर करके, म्यू की वैल्यू अगर वाटर है तो इतनी होती है, तो उससे आर भी निकालना है, डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखना जरूर। प्रिज्म सारी बता दी थी है ना जी कि नहीं बताई थी, नहीं चलो दूसरे किसी बैच में बताई होगी, नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ ये प्रिज्म। बोली हाँ जी, दो चार बच्चे बैठ जाए 2 मिनट।